प्रोजेक्ट का एडिटर हूँ। मुंबई के मैं काफ़ी सालों से सर सेंटर देखिए। हाँ, मेरा नाम शिवा है, मैं इस प्रोजेक्ट का एडिटर हूँ। प्रणव भाई को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, बहुत मेरे के फ्रेंड रहे। जब मुझे पता है कि मैं ऐसे कुछ शूट कर रहा हूँ, आई वॉज वेरी हैप्पी। प्रोजेक्ट पे काम करके बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली। तो मैं जब फर्स्ट टाइम फुटेज देखा तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं ये लगा नहीं कि फुटेज देखे कि यार कोई न्यू कमर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं फ़ोन करके बोला प्रणव भाई कि मेरी मच आती थे फुटेज एंड बहुत अच्छे जो आप सोच रहे हो, जो इमोशंस के बारे में आप बात कर रहे थे वो फुटेज में आया एंड वेरी मच हैप्पी विद द आउटपुट राइट नाउ। So what about you, your introduction and how you are? This is Santosh Sharma. I am supervising producer in Vision Entertainment. And what's the question, please, sir? So what was the experience working with the whole team? See, it's like a family for me. Aur bahut acha laga. Vinit and Pranav is like my younger brother. And I wish both of him a best of luck. Aur achhi story hai, achhi kahani hai. So how? I hope एंजॉय करेंगे आप लोग। तो कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट होता है शॉर्ट फिल्म को, यू नो, पूरा प्रोडक्शन टीम को एक साथ काम करना है? डिफिकल्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत एंजॉय किया हम सब लोगों ने ही, क्योंकि हम एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं और अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा काम करके, क्योंकि कोई भी एक ऐसे बाहर का नहीं था जिससे हमको कोई दिक्कत आए या कठिनाई आई। सो बहुत मज़ा आया। थैंक यू प्रोडक्शन। टू प्रोजेक्ट उधर शॉर्ट फिल्म, और जो बात हम कहने जा रहे हैं वो पारिवारिक है। शॉर्ट फिल्म तो लोग बनाते ही रहते हैं, लेकिन हमारी जो अपनी परवरिश है, जो हमारे अपने संस्कार हैं, पहली बार में हम उसी को परोस रहे हैं। पहली फिल्म है हमारी पहरेदार और दूसरी फिल्म है परिवर्तन। पहरेदार कहानी केंद्रित है एक 1.5 साल के बच्चे और उसकी माँ पर, और परिवर्तन जो केंद्रित है वो पूरा एक फैमिली ड्रामा है। बहुत सिमिलर है बागवान से, बागवान कहानी से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बागवान का जो सोल था कि हम एक उम्र बिताते हैं हमारे माँ बाप के साथ, एक वक्त के बाद हमारा कंफर्टेबल जोन खत्म होने लगता है, उस बारे में ये कहानी है कि क्या परिवर्तन आता है जब माँ बाप थोड़ा बदलते हैं तो हम कैसे बदलते हैं, ये उस बारे में कहानी है। तो आज के दौर में जो शॉर्ट फिल्म का रिवॉल्यूशन चला है, बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े स्टार्स शॉर्ट फिल्म के मीडियम का पार्ट बनना, क्या कहना चाहेंगे, ये कितना अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है? जी बहुत अच्छा स्टेप है। हम तो कहानीकार भी हैं, हम कहानी कहने के अलग अलग माध्यम को चुनते हैं। ज़्यादातर लोग फिल्में बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, फिल्म और सीरियल के माध्यम से कहानी को बहुत विस्तार में कहना होता है। शॉर्ट फिल्म एक बहुत ही छोटा माध्यम है और बहुत ही सरल तरीके से आप अपनी बात पूरी तरह से कह सकते हैं। तो मुझे तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म बननी चाहिए। लोगों को क्या चाहिए, मनोरंजन और एक अच्छा मैसेज। तो प्रमोट किस तरह से करने वाले हैं, फिल्म फेस्टिवल्स मीडियम है, क्या मीडियम जो चुनने वाले हैं प्रमोशन के लिए? आप ही का माध्यम चुना है हमने, आपसे अच्छा माध्यम कोई हो नहीं सकता है। आज देखिए हमारा रैपअप पूरा है, पूरी तरह से शूटिंग हो चुकी है, पोस्ट हो चुका है, आज हमारा रैपअप फोटो शूट है और आपके साथ ही हम इसका प्रमोशन की शुरुआत कर रहे हैं। बाकी सर, व्हाट अबाउट यू, आई मीन हाउ यू आर रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट? आई एम द एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट, बोथ द प्रोजेक्ट्स व्हिच वी हैव डन। और जैसे कि प्रणव भाई कह रहे थे अभी कि अभी का जो टाइम है, तो आई गेस जितने भी फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए अभी का जो वक्त है वो बहुत ही अच्छा वक्त है, क्योंकि आपको अपना टैलेंट दिखाने के लिए आज बहुत सारे एवेन्यूज हैं। पहले ये वक्त हुआ करता था कि आप या तो टेलीविज़न में अपनी काबिलियत दिखा पाते थे या फिल्म एक जरिया होता था, लेकिन अब शॉर्ट फिल्म के ज़रिए भी आप अपने अंदर जो आपकी कला है वो आप सामने लेके आ सकते हैं। तो आई गेस शॉर्ट फिल्म एक बहुत अच्छा जरिया है अपने टैलेंट को सामने लेके आने का। एक्चुअली बहुत मज़ा आया। एक्चुअली सर को तो मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, और सर जब सर ने जब स्टार्ट किया डायरेक्शन तो सर ने बोला कि आप करना ही, और मैंने काम किया सर के साथ, और मतलब ऐसा लगा, मतलब पहली बार ऐसा लगा कि हम लोग एक फैमिली की तरह फिल्म बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एक फिल्म बना रहे तो एकदम वो टास्क की तरह फिल्म बना रहे हैं, मतलब एक फैमिली की तरह फिल्म बना रहे हैं और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इवन सारी चीज़ें अच्छी हुई भी हैं, शूटिंग भी बहुत अच्छे से हुई है, इवन पोस्ट भी जो चल रहा था वो भी काफ़ी अच्छे से हुआ है, और फिल्म भी काफ़ी अच्छी बनी है। तो बहुत